सब लोगों के सब खैरियत होंगे उम्मीद है। मैंने कल जो पॉइंट आप लोगों को कराया था उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जरा मैं एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा सा सबर कीजिएगा स्क्रीन शेयर में, और उसका मुझे आप इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे और उन एडजस्टमेंट्स के अंदर जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वो तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कल वाला लेक्चर हमारा कम्प्लीट हो गया था, उसमें अगर कोई चीज की कोई परेशानी थी तो आप उससे पूछे पिक्चर भेज दी थी, तो एक मिनट में जरा स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, वेट कीजिएगा जरा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन भेजा है आपको, ऐसे तो ये 15.11 है। बारे में आवाज आ रही है मेरी अनंता जी? सर आ रही है। ये मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को, 15.11 एक्सरसाइज है, और इसकी जो है इसमें जो खास बात है वो क्या है, आप लोगों को पता है कि बिजनेस की कितनी टाइप्स होती है? तीन टाइप्स होती हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विसेज बिजनेस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसकी इनकम स्टेटमेंट तो नॉर्मल बनती है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं आप। लेकिन जब आप कोई सर्विसेज बिजनेस हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या कोई हॉस्पिटल हो, तो उसके अंदर वो सर्विसेज बिजनेस कहलाते हैं। तो सर्विसेज बिजनेस का जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसकी मेन हेड जो होती है वो उसकी कोई इनकम होती है जिसकी बेस पर वो काम कर रहा होता है, जैसे कोई स्कूल वगैरह है तो उसकी कोई फीस वगैरह हो। तो इसी तरीके से ये स्कूल का बिजनेस है, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ प्राइवेट स्कूल नर्स होम एज एट 30th June 2009। तो अब आपके सामने ये ट्यूशन फीस मेन हेड है, तो अब आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ट्यूशन फीस, और आपके पास जो दूसरी इनकम जो है वो क्या है,
रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन एंड फंक्शन फीस, ये आपकी सारी की सारी इनकम है। अब आपने बस इसमें क्या करना होता है, कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह नहीं होती, आपने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करना है, दैट्स इट। अब आपको ये सवाल देने का मकसद क्या है कि इससे आपको नोहा हो जाए कि इनकम और एक्सपेंसेस कैसे निकाले जाते हैं, किसी चीज में कोई एडजस्टमेंट में कोई मसला है तो एक्सपेंसेस या इनकम में ही आता है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जरा आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आप मुझे प्रॉफिट निकाल कर दिखाइए इस सवाल का कि कितना निकालते हैं, फिर हम इसके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में बात करेंगे। अगर किसी एडजस्टमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उससे वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, आप कहें तो मैं एडजस्टमेंट पढ़ के दिखा दूं या फिर आप खुद करेंगे कोशिश करके। कोई चीज डिस्कस कर रही है, अच्छा सवाल है ये, और ये आपके पास पेपर में भी सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 मरतबा आ चुके हैं। अगर आप बल्कि आप रूम खुद ही कर लीजिएगा वरना आपको नजर नहीं आएगा पूरा सवाल। अगर आप कहें तो मैं एडजस्टमेंट के ऊपर लेक्चर दे सकता हूँ। सर पहले खुद ट्राई कर लें फिर आप दे दीजिएगा। तो सबसे पहले आपकी इनकम लिखें पहले और इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करें।
हाँ भाई यहाँ तक पहुंच गया, कोई आगे कितना निकला। हाँ हसनैन कुछ कह रहे हो? जल्दी करें, आप लोग 5-10 मिनट और हैं, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा। हाँ बेटा हसन, मैंने शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी। हमेशा सवाल को शुरू से पढ़ा करो, इसमें शुरू में ही लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्राइवेट स्कूल। एक प्राइवेट स्कूल की बुक्स आई है, लर्नर्स होम एज एट 30 जून 2009। तो जाहिर बात है जब स्कूल है तो उसकी जो जो मेन इनकम है वो उसकी फीसिस है। तो देखो इनमें तीन चीजें दी हुई है इनकम में, ट्यूशन फीस 96,000, रजिस्ट्रेशन फीस 12,600 एंड एग्जामिनेशन एंड फंक्शन फीस 2,800। अब नीचे फीस इनकम के मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन, एक्रूड इनकम वगैरह होती तो ऐड कर लेते, प्रीपेड इनकम होती तो लेस कर लेते, नहीं है तो ये तीनों का जो टोटल है अलग अलग नाम से लिखेंगे। ये तीनों आप सबसे पहले लिखेंगे इनकम में, फिर एक्सपेंसेस की हेडिंग डालकर जितने भी एक्सपेंसेस आपको नजर आ रहे हैं वो माइनस करेंगे, फिर वो प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे सवाल जिसके अंदर सर्विसेज बिजनेस हो उसमें सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री ओपनिंग, इन्वेंट्री क्लोजिंग वगैरह नहीं होती। अच्छा भाई अब्दुल्ला मकसूद, बैलेंस भी हो गया, उनकी बैलेंस शीट भी बना दी तुमने? वाह यार अब्दुल्ला मकसूद तो चीता हो गया भाई। पहले प्रॉफिट का अमाउंट बताओ अब्दुल्ला मसूद, फिर तुम्हें चेक करते हैं। 41600 100% सही है, जबरदस्त यार। और किस किस का हो गया इनकम स्टेटमेंट?
हाँ भाई लाइवा, तुम देर से आई हो आज फिर। यस सर। लेट क्यों आई हो तुम? सर नेट भी चल रहा था तो कनेक्ट नहीं हो रही थी। अच्छा जल्दी से ही सवाल देखो, तुम्हारे में आ रहा है कुछ? तुम्हारे सर्विसेज बिजनेस है ये। सर्विसेज बिजनेस में रेवेन्यू या परचेजेस नहीं होती, बल्कि इसमें आपकी मेन चीज होती है इनकम। एक स्कूल का बिजनेस है ये, तो इसमें जितनी भी इनकम दी हुई है शुरू की तीनों इनकम, वो इनकम को आप लिखेंगी इनकम में, और उसके बाद सबसे पहले इनकम लिखेंगी और उसमें से एक्सपेंसेस को कर देंगी माइनस। एक्सपेंसेस आप देख लें कौन कौन से हैं। अब आपने ये सवाल मैंने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, तो मैं ये सवाल खुद ही सॉल्व कराता हूँ। जहां तक लोग पहुंच गए होंगे देख लेते हैं, आप मैच कर लीजिएगा। देखें आपको जो इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्राइवेट स्कूल है, लर्नर्स होम। आप इसका बना रहे हैं इनकम स्टेट for the year ended 30th June 2009 के हिसाब से आप इसका इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। और इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है कि दो कॉलम होते हैं, आप अगर इनकम स्टेटमेंट एक सर्विसेज बिजनेस का है तो उनकी सर्विसेज बिजनेस में जो उनकी मेन इनकम होती है वो हेड कौन सा है, ट्यूशन फीस है, तो आपने लिखा ट्यूशन फी। अब ट्यूशन फी आपकी है 96,000। आप एडजस्टमेंट पर नजर डालेंगे तो एडजस्टमेंट में अक्रूड इनकम होता तो फिर ट्यूशन फी होती तो ऐड कर लेते, प्रीपेड ट्यूशन फी होती तो लेस कर लेते, क्योंकि कुछ भी ट्यूशन फी से मुतालिक नहीं है। तो 96,000 आपकी जो है वो टोटल 96,000 जो है वो आपकी टोटल ट्यूशन फीस आपकी इनकम बन जाएगी। फिर इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस भी है, रजिस्ट्रेशन फी है 12,600। आप ये श्योर कर चुके होंगे कि नीचे आपको एडजस्टमेंट में इनकम से मुतालिक अक्रूड इनकम या प्रीपेड इनकम गिवन नहीं है। अगर अक्रूड इनकम होगा तो ऐड कर लेते, प्रीपेड इनकम होता तो लेस कर लेते। रजिस्ट्रेशन फीस के बाद एग्जामिनेशन फंक्शन फीस भी है, एग्जामिनेशन और फंक्शन फी आपकी जो है वो है 2800। तो आपके पास ये जो 2800 के बाद टोटल इनकम आई ये कितनी आई, कैलकुलेटर करके बताओ जल्दी से, कैलकुलेटर नहीं है बस। अनंता कैलकुलेट करके बताओ फिगर, 96,000 प्लस 12,600 प्लस 2,800 टोटल इनकम कितनी हो गई। अब हम लेस करेंगे, एक्सपेंसेस। हाँ भाई जल्दी से बताओ इनकम कितनी हो गई। 1,11,400। अरे हो गए हो क्या तुम? 1,11,400 तो आप देखेंगे कि पहली आपको एक्सपेंस दिया हुआ है सैलरीज एंड वेजेस। गौर से सुनना, जब आपको सैलरी तो आपका 38,000 के जो अमाउंट था सैलरीज एंड वेजेस का, उसमें वो कह रहा है कि आपके अक्रूड हैं 1200, क्योंकि ये 1200 ऐड हो जाएंगे
ये हो जाएंगे 39,200, ये क्या हो गया सैलरीज एंड वेजेस। भाई देखते रहना तुम अपना अब्दुल्ला मकसूद, उसके बाद मुझे बताते रहने से कैलकुलेशन तुम्हारे पास होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम वापस जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाले नीचे कोई इंफॉर्मेशन नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डायरेक्टली आ जाएगा 1900। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बाद एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस है। अब एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस में आप एडजस्टमेंट चेक करेंगे पहले, तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस है 200। प्रीपेड का मतलब है कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपने ये एक्सपेंसेस पे किए थे, इस साल के एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे, तो एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस आपका है 3600। 3600 में से हम माइनस कर देंगे 200, तो ये 3400 की आपकी एडवर्टाइजिंग और इंश्योरेंस आपके एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। ये भी क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब हम वापस जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। आपके पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन। अब नीचे इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन से मुताबिक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन आपके एक्सपेंसेस है 14,900, वो आपके एक्सपेंस टोटल करते रहना भाई। 14,900 के बाद एग्जाम एंड फंक्शन एक्सपेंसेस, एग्जाम एंड फंक्शन एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 2,900, एग्जाम एंड फंक्शन एक्सपेंसेस 2,900 के बाद आपके पास आ जाते हैं हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके पास कितनी है, भाई ये देख लेना तरतीब में, सही देख रहा हूँ क्योंकि बुक के अंदर लाइनें नहीं ड्रॉ होती, मुझे एक हाथ से पेज पकड़ना होता है तो ये मुश्किल होती है मुझे। देख लेना सही, अब्दुल्ला मकसूद चेक कर लो, मैंने कोई एक्सपेंस ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया। सैलरीज एंड वेजेस तो सही है, 39,200 है, 3600 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डायरेक्टली आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2300 के बाद हम लाइब्रेरी बुक्स पे आ जाएंगे, वो हमारे एसेट्स होते हैं, परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स हमारे, इसकी वजह से अभी मैं बताऊंगा क्या चक्कर है ये। और उसके बाद बैंक बैलेंस आपके एसेट्स हैं, स्टूडेंट्स की रिसीवेबल आपके एसेट्स हैं, डेबिट पे लिखा हुआ है, सिक्योरिटी फी पे सर आमिर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी अब आ रही है? डेप्री अभी मैं लाइब्रेरी बुक्स का बताऊंगा, पहले आप डेप्रिसिएशन निकाल लें जो सीधा सीधा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पहले से अटक रही है अभी दोबारा रिकनेक्शन में अटक रही है?
क्योंकि यहाँ कनेक्शन थोड़ा सा चला गया है, मैं अपने मोबाइल डाटा से पढ़ा रहा हूँ, जैसे कल पढ़ा रहा था, अभी वो इंटरनेट का कनेक्शन चला गया है। 12 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वो तो आपके सामने सवाल है, आप निकाल भी सकते हैं खुद भी, बल्कि कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करें। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्चर 15% ऑन कॉस्ट। तो अब आपका फर्नीचर ऊपर जो दिया हुआ है उसकी कॉस्ट है 20,000, तो 20,000 का 15% निकाल लीजिए आप, तो 3,000 आएगा। ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000 आएगा फर्नीचर का। मशीन का 25% डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। और ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, जो आपकी मशीन की वैल्यू है वो कितनी है, कॉस्ट 9600, उसमें से पुराना डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर देते हैं 2400 और उसके ऊपर रेट अप्लाई करते हैं 25%। अब्दुल्ला मसूद बताओ कितना आ रहा है, तुमने किया हुआ है ये 9600 माइनस 2400 का 25%। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ये परसेंटेज अप्लाई करके बताइए मुझे अमाउंट, 9600 माइनस 2400 1800 सर। आवाज नहीं आ रही मुझे, यार लिख के दे दो कितना आ रहा है बेटा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। आवाज आ रही है मुझे मेरी? डेटा से प्रॉब्लम। चलो मैं जरा जगह चेंज करता हूँ। आप आवाज क्लियर है, कुछ बेहतर है जी? आप जरा बताइएगा कुछ मामला बेहतर हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सर आ रही है। ये सर आ रही है। चलें डेप्रिसिएशन मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, जो जब आवाज नहीं आई थी आपको, मैंने कहा था कि अब आप कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में नहीं होते बल्कि कैलकुलेट करना पड़ते हैं, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, provision for doubtful debts, increase or decrease, bad debts, ठीक है? तो अब यहाँ पर इसमें लिखा हुआ था कि depreciation on furniture जो है 15% on cost पर निकाला और depreciation on machine जो है वो diminishing balance method पर निकाला। diminishing balance method में rate दिया हुआ था 25%, लेकिन diminishing balance method में हम क्या करते हैं, जो cost में से पहले provision for depreciation जो trial balance में दिया होता है minus करते हैं और उसके ऊपर 25% निकालते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड या ऑन कॉस्ट कहता है या स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसके अंदर जो भी कॉस्ट दी होती है उस नॉन करंट एसेट की उस पर डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं, उसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते। अब जो काम की बात है वो ये है कि अगर मैं आपको एडजस्टमेंट में एक चीज आपको दी हुई है, देखें एडजस्टमेंट नंबर 1 उसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। एक बात याद रखिएगा, जब कोई नॉन करंट एसेट्स की बिगनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दे दी जाए, किसी भी नॉन करंट एसेट की बिगनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दे दी जाए, तो इसका मतलब है उसका डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन मेथड पर निकलता है।
तो अब हम डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स निकालेंगे। अब डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कैसे निकालेंगे, देखें बुक्स की जो ओपनिंग वैल्यू थी वो सवाल में दी हुई है, देखें आपको सामने ऊपर देखें ट्रायल बैलेंस में लाइब्रेरी बुक्स एट July 1, 2008 कितनी है बुक्स जो आपके पास है 4800, यानी कि आपके पास साल के शुरू में जो बुक्स का अमाउंट था वो 4800 था। इसी के नीचे देखें ड्यूरिंग द ईयर आपने लाइब्रेरी बुक्स और खरीदी थी 800, तो आप 800 की लाइब्रेरी बुक्स ऐड कर लेंगे। और उसके बाद आपने कोई सोल्ड तो नहीं की, तो अगर सोल्ड की होती तो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अब आपकी जो लाइब्रेरी की बुक की वैल्यू है वो 5200 है, तो अब आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे 5200, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा कि अब मैं और समझा देता हूँ, आपकी बुक की वैल्यू पहले 4800 थी, 800 की और खरीद ली आपने, तो 4800 प्लस 800 कितने हो गए 5600 की चीज अब इस वक्त एट द एंड ऑफ द ईयर 5200 शो कर रही है, तो इसका मतलब 400 का इसका आ गया आपका डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकाला जाता है जब किसी भी नॉन करंट एसेट्स की बिगनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दे दी जाए, ये तरीका रीवैल्यूएशन मेथड कहलाता है, ये लेवल में भी है आपका। अच्छा जी डेप्रिसिएशन अब आपकी एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लियर हो गई, 2 क्लियर हो गई, 3 क्लियर हो गई। नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है आउट ऑफ, सुनिएगा, आउट ऑफ सिक्योरिटी फी पेबल, वो कह रहा है कि आपका जो सिक्योरिटी फी पेबल है ऊपर आपको क्रेडिट साइड पर देखिए 3100 दिया हुआ है, वो कह रहा है उसमें से 1400 ऐसा है जो आपको करंट ईयर में पे करना है और बाकी जो है वो आप अगले साल पे करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ अगले सालों में जो पे करेंगे वो नॉन करंट लायबिलिटी है और जो करंट ईयर में पे करेंगे वो करंट लायबिलिटी है, तो उसका आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना था। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो 3100 में से 1400 करंट लायबिलिटी में चले जाएंगे और बाकी माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी में शो होगा, तो इसका कोई एक्सपेंसेस से ताल्लुक नहीं है। नंबर 5 एडजस्टमेंट में एक्यूड एंड सैलरीज ऐड कर लिया आपने, प्रीपेड वैल्यू माइनस कर ली, अब आपके पास कोई भी एक्सपेंस नहीं बचा, तो अब्दुल्ला मकसूद बेटा जरा टोटल बताना हमारे एक्सपेंसेस सही है मैच कर लो, जरा एक्सपेंसेस यही है, एक्सपेंसेस का टोटल बता दो मुझे ताकि माइनस करके फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। 6980 जब आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आया था 41600 आपका जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप प्रॉफिट फॉर द ईयर जब निकाल लेंगे तो अब आप बनाएंगे इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे इसकी एज एट June 30, 2009, तो हमने आपको बताया था कि इसमें 3 कॉलम बनते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, सर म्यूटेड हैं। सॉरी अब आपको आवाज आ गई होगी, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट में आप जो भी नॉन करंट दिए होते, सपोज दैट इस सवाल में लिखा हुआ है फर्नीचर एंड फिक्स्चर, तो
तो उसकी कॉस्ट है 20,000। मैं ही बता रहा था कि आप गलती जो स्टूडेंट करते हो क्या करते हैं, बाज स्टूडेंट ये करते हैं कि जो हमने करंट ईयर में इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन लिखा था फर्नीचर का 3,000, वो बेचारे यहाँ पर 3,000 लिख के माइनस कर देते हैं, जो गलत होता है। तो आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी दिया हुआ है फिक्सचर का वो दिया हुआ है 6,000, तो 6,000 और 3,000 कितने हो गए 9,000 टोटल डेप्रिसिएशन लिखना है। एक्युमुलेटेड का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन, यानी कि आप ये हिस्ट्री बताएंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अगेंस्ट कि आपकी जो फर्नीचर जो है वो ऑलरेडी 6,000 का डेप्रिसिएट हुआ हुआ था और इस साल मजीद 3,000 का डेप्रिसिएट होकर टोटल अब तक 9,000 का डेप्रिसिएट हो चुका है 20,000 में से। तो 20 में से 9 माइनस कर देंगे आप तो क्या बचेगा आपके पास 11,000। तो अब आपकी नेट बुक वैल्यू 11,000 आ जाएगी फिक्सचर एंड फिटिंग की। इसी तरीके से दूसरा है मशीन, तो जो मशीन की वैल्यू है वो आपको दी हुई है अल्लाह भला करे 9,600 के बाद ऑलरेडी मशीन 2,400 की डेप्रिसिएट हुई हुई थी और आपने इसको इस साल 1,800 का और डेप्रिसिएट किया, तो 1,800 और 2,400 कितने हो गए 4,200। अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूँ तो भाई बता देना कैलकुलेशन। 9,600 में से 4,200 माइनस करें क्या आता है नेट बुक वैल्यू, 9,600 माइनस 4,200 आवाज आ रही है मेरी 5,400 इसके बाद आपको दी हुई है बुक्स, क्योंकि बुक्स भी एज ए नॉन करंट एसेट्स हैं। अब बुक्स जो थी आपके पास वो थी पहले बुक्स थी आपके पास 4,800 की, फिर आपने 800 की और खरीदी तो टोटल बुक्स हो गई थी आपके पास 5,600 की। तो आप यहाँ लिखेंगे बुक्स की कॉस्ट 5,600 और उसका डेप्रिसिएशन आपने निकाला था 400, तो अब आपके पास जो आखिरी वैल्यू थी वो थी 5,200। तो अब आपका ये बुक्स के बाद आपका ये नॉन करंट एसेट कम्प्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे टोटल कर लेंगे कि भाई 11,000 5,400 5,200 ये कितना हो गया भाई 21,600 आपके नॉन करंट एसेट्स हो गए। इसके बाद अब आप हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आपको क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले आप प्रीमिसेस रह गया इन्वेंटरी प्रीमिसेस था कोई अच्छा रह गया देखा मेरा डेप्रिसिएशन का कहां है भाई प्रीमिसेस 50,000 चले करंट एसेट्स में अब आप बताएं क्या क्या आएगा। अब करंट एसेट में यहाँ क्लोजिंग इन्वेंटरी तो है नहीं, तो अब आपके पास करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी कोई बता सकता है? सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट फी रिसीवेबल, आपको देखे डेबिट में नजर आ रहा है स्टूडेंट फी रिसीवेबल जस्ट लाइक ट्रेड रिसीवेबल, ये भी आपकी ट्रेडिंग है ना एक तरीके से। स्टूडेंट फी रिसीवेबल, अब आपका स्टूडेंट फी रिसीवेबल जो है वो 6,000 है, तो अब आप 6,000 आप यहाँ पर लिख लेंगे स्टूडेंट फी रिसीवेबल, ठीक है भाई। इसके बाद अदर रिसीवेबल में आपको क्या लिखना पड़ेगा अदर रिसीवेबल में आपके प्रीपेड आ जाते हैं, तो नीचे देखें आपको कोई प्रीपेड दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग आपको दिया हुआ है प्रीपेड में 200, तो अदर रिसीवेबल में आपका आ जाएगा 200। फिर आपको ऊपर दिया हुआ है बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट, अब आपका जो बैंक बैलेंस है वो कितना है भाई देखिए 1,500 है ना बैंक बैलेंस आपका 1,500 है और तो कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो अब आपके पास जो टोटल करंट एसेट्स है वो यही है, तो 6,000
प्लस 7500 7700 तो जरा अब्दुल्ला मसूद चेक करके बताओ सर क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं आएगी हाँ द लाइब्रेरी बुक्स आपके पास जो आपके पास लाइब्रेरी बुक्स वो 7700 7700 मैं एक लिंक बता और इसको टोकन नंबर 7930 एक चलो 7979 7979 3 00 7930 ये आपके पास 7930 अच्छा जी तुम कुछ कह रहे थे अपना राफे द वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी बुक्स एज एट 30th जून 2009 5200 इसके बारे में तुम कुछ कह रहे थे अरे एक मिनट हाँ भाई जी सर क्या क्या ये क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं होगी क्योंकि हाँ भाई अब्दुल्ला मसूद आपके पास जवाब है इस बात का इसका सर आएगा या नहीं आएगा वो एक क्लोजिंग इन्वेंट सर वो तो यहाँ से वो एसेट था ना उसकी डेप्रिसिएशन भी निकली थी तो उसकी क्लोजिंग एंट्री फिर वहां पे भी हमने वही अमाउंट आ रहा है जवाब ऊपर उसका क्लोजिंग करके वही क्लोजिंग इन्वेंटरी आ रही है ऊपर नॉन करंट में भी जवाब ये नहीं है मेरे बच्चे इसका जवाब ये नहीं है आपने बात समझ ली चलो अच्छी बात है अब सुनना जरा वैसे इसका जवाब ये है कि बेटा बुक्स को हमने कहाँ कंसिडर किया है अच्छा कहाँ कंसिडर किया नॉन करंट एसेट में हम लिख चुके हैं ना 5200 हम तो उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर चलाते हैं ना बुक्स को खरीदते हैं फिर रखते हैं तो उसको हम करंट एसेट्स में कैसे लिखेंगे अब क्योंकि तुमने इसलिए मैं रुक गया है सवाल पर ताकि सब लोग समझ लें कि ये नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है जिसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंटरी एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड होती है इसको हम बेचने के लिए खरीद कर लाते हैं ये जो बुक्स थी उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे जब इस्तेमाल कर रहे थे तो वो नॉन करंट एसेट्स के तौर पर ट्रीट हो रही थी और वो उसकी रिमेनिंग वैल्यू उसने एसेट इसलिए लिखी कि ताकि हम उसका डिफरेंशिएट पर हम डेप्रिसिएशन बाय रिवैल्यूएशन मेथड एनालाइज कर सकें सही है बच्चे जी अब आपके पास के टोटल एसेट्स जो आ गए वो यार अच्छा सवाल है ये ताकि आपका अगर अचानक आ जाता आप सेल और परचेज ही ढूंढते रहते इसमें बाद स्टूडेंट तो नॉन करंट एसेट्स के बाद अब आप लिखेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज अब कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आपके पास सबसे पहले कैपिटल आपको कितना दिया हुआ है देखिएगा जरा आपको कैपिटल दिया हुआ है 50,000 का देखना भाई जरा कैपिटल 50,000 इस कैपिटल में ऐड कर देंगे हम जो भी प्रॉफिट हुआ था प्रॉफिट कितना हुआ था भाई 41,600 प्रॉफिट फॉर द ईयर फिर उसमें से लेस कर देंगे हम ड्राइंग कोई एडजस्टमेंट वगैरह में भी ड्राइंग नहीं थी डायरेक्ट ड्राइंग दी हुई है 16,600 तो हमारा कैपिटल अटेंड बताओ भाई किस किया हुआ है तो कैपिटल अटेंड बता दो 75,000 कैपिटल अटेंड आ गया अब हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज अब नॉन करंट लायबिलिटी में सिक्योरिटी पेएबल जो मैंने बताया था सिक्योरिटी फी पेएबल वो आपका चला जाएगा 3100 टोटल था उसमें से वो कह रहा था कि आप 1400 आपके करंट लायबिलिटी में जाएंगे जो करंट ईयर में पे करेंगे थोड़ा माइनस करके बताना कितना आ रहा है 3100 माइनस 1400 1700 एक ही लायबिलिटी है डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इसके बाद अब आप आ जाते हैं करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में अब आपके पास कौन सी लायबिलिटीज हैं देखते हैं जरा भाई तो करंट लायबिलिटी में 3100 6000 डेप्रिसिएशन है 2400 कुछ भी नहीं है सिर्फ यही है सिक्योरिटी फी पेएबल 3100 और आपके पास अदर पेबिल में क्या चीज जाएगी जो आपका आउटस्टैंडिंग था अक्रूड सैलरीज एंड वेजेस
वो 1200 था, वो अदर पेपर के नाम से जाएगा, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने छोड़ दी हो। आपके पास ये कितने हो गए, 4300। देख लेना भाई जरा। अब आप जब इसको टोटल करेंगे वो एग्जैक्टली 79,300 आना चाहिए। आ रहा है टोटल सर? 1400 जाएगा ना करंट में, तो क्योंकि 1700 तो ऊपर दे रहे हैं करंट में। हाँ 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 भाई, ऊपर क्लिक हुआ तो 1400 ही जाएगा। दरअसल 3100 में से 3100 मैं लिखा भी तो ना, ये देखिए 3100 में से 1400 हम करंट लायबिलिटी में लेके जाएंगे, बाकी इसमें क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा 2600। आप देखें टोटल कितना आ रहा है, 79,300। ये आपका आ जाएगा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। दैट्स इट। तो आज हमारा मकसद था कि चलो सर्विसेज बिजनेस अगर कोई आ जाए तो उसको कैसे टैकल करते हैं, तो आज हमने वो भी कर लिया। अब हमारा पूरा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह पास करने के लिहाज से हो चुका है। हम 2019 का एक सवाल और करेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे अब अगर फिजिकल क्लास भी तो फिजिकल में करा देंगे और अगर ऑनलाइन भी। तो अब 2019 की बारी है। अब आप लोग इस काबिल हो गए कि अब आप लोगों को जो है वो 18 और 19 भी करा दिया जाए। वैसे मुझे उम्मीद है कि अच्छे खासे स्टूडेंट ने पूरी करने की कोशिश की होगी। बस अब आपका सोल ट्रेडर का एक अच्छा सा टेस्ट लूंगा जो फिजिकली तौर पर होगा, उसकी तैयारी कर लें आप। ठीक है भाई सर। आमिर। हाँ बेटा। सर आप कल एक क्वेश्चन करा थे, उसकी लास्ट वाली जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन रह गई थी। हाँ अरे हाँ, बल्कि एक और भी चीज रह गई थी, सवाल कर लिया इधर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। वो जो सवाल था जो मैंने लिखवाया, तो पहले वो निकाल लूं जरा मैं। अभी वाला काम भी दिखा दे, स्क्रीनशॉट। एक मिनट बेटा, एक मिनट। वो वाला सवाल जो था ना, वो जो मैं आप लोगों से करवाया था, जो आप लोगों ने बराबर भी लाई थी, 20,000 उसमें एक वैल्यू दी थी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था, मैं चाह रहा था वो भी आप लोगों से शेयर कर लूँ। और बाकी बैंक लोन वाली बात भी, ये सवाल तो मैं भी पिक्चर भेज दूंगा आपको। अच्छा जी, किसी को याद है वो सवाल का नंबर? मैंने दिया था आपको व्हाट्सएप पे, देखिए नंबर पड़ा हुआ होगा उसका, जिसमें हमने आपको डेप्रिसिएशन निकलवाया था कि भाई 20,000 में से 15,000 अलग कर देंगे, 5,000 कर देंगे, ऐसा नहीं करना था। क्योंकि उसने कहा था कि ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है, यानी कि ये 20,000 नहीं थे पहले, 25,000 थे, उसमें से 20,000 हम ऐड कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। वो डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड किया था दोबारा करना था, तो हमने अलग अलग कर दिया था, उससे बैलेंस शीट बराबर तो आ जाएगी, लेकिन मिसकंसेप्शन हो सकता है छोटी सी बात के ऊपर। मैं वो चाह रहा था कि उसको जरा मैं रेक्टिफाई कर दूँ आप लोगों के पास। देखो व्हाट्सएप में जाओ तो देखो सवाल है, इसमें नंबर पड़ा हुआ है जो आप लोगों ने मुझे लाइबा आपने भी बराबर करके भेजा था कि सही बराबर आ गया है। यस सर। कौन सा सवाल था वो जो मैंने करवाया था? लास्ट क्वेश्चन वो कौन सा था जिसको मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा था और उसका मैंने आपको एडजस्टमेंट कराया था 20,000 के ऊपर, कि भाई 5% अलग करना था और उसका अलग करना था, 15% अलग किया था, 5% अलग किया था। अब्दुल्ला मकसूद याद आ रहा है? आई गेस वो 15.8 था आपकी बुक में। जो आपको दिया हुआ था एडजस्टमेंट नंबर 4,
लेकिन आगे जो बात कर रहा है उसके सवाल डिस्पोजल आपका रिकॉर्ड हो चुका है, इसका मतलब है आपकी चीज जो थी वो 25,000 की थी जिसमें से आपने 5,000 का डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लिया था और वो चीज अब 20,000 की हो गई थी। तो इसका मतलब अब आपका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन आपका जो था वो 1 जनवरी तक का था, तो अब डेप्रिसिएशन आपका जो है वो निकलेगा। तो अब आपने क्या करना था, 20,000 का 10% वो आ जाएगा 2,000 और 5,000 का 10% वो आ जाएगा 500 और उसका 6/12 क्योंकि वो 6 महीने का था तो ये आ जाएगा 250। तो ये टोटल आपका डेप्रिसिएशन जो आता है वो 2,250 आता। दोबारा समझ लो, मुझे पता है पहली दफा तुम लोगों को तो जिंदगी में कभी समझ में ये चीज नहीं आई। वो कह रहा है कि आपके पास हमने जो मोटर व्हीकल का अकाउंट दिया है, सॉरी फिक्सचर एंड फिटिंग का, वो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 20,000। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमने बीच में साल के दौरान 5,000 की कॉस्ट की चीज बेच दी थी जो हमने एडजस्ट कर चुके थे। इसका मतलब है कि ये 20,000 तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने 5,000 की चीज बेची थी उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होने से रह गया। तो 20,000 का तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन पूरा 10% 2,000 आ गया, जो 5,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो 6 महीने का रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसलिए 6 महीने काम करेंगे तो वो 250 आएगा। इस तरह ये 2250 आता, बस और कुछ नहीं करना था आपने। यानी कि इनकम स्टेटमेंट में जो डेप्रिसिएशन जाएगा वो करेक्ट कर लीजिए, 2250 जाएगा। और SOFT में आपकी जो मशीन कॉस्ट है वो तो 20,000 जाएगी, उसमें डेप्रिसिएशन जो माइनस होगा वो ऑलरेडी जो आपके पास लिखा हुआ है उसमें 2250 ऐड करके माइनस कर दीजिएगा, बाकी कॉस्ट आ जाएगी साल के तौर पर। मुझे पता था, मुझे पता था आपने सवाल पढ़ा पहले, पॉइंट नंबर 4 पढ़ लिया। आखिरी वर्डिंग में कह रहा है, हाउएवर दिस डिस्पोजल हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, ये डिस्पोजल ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है आपकी जो चीज 20,000 की लिखी है वो माइनस हुई हुई है, इसमें माइनस करने की मजीद जरूरत नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्योंकि डेप्रिसिएशन के साथ अमाउंट जो लिखा हुआ है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स्चर 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी का मतलब है कि आपने December 31, 2005 तक का डेप्रिसिएशन निकाला हुआ था, इसका मतलब है कि आपका डेप्रिसिएशन ऐड नहीं हुआ हुआ था। तो आपने 20,000 का तो टोटल नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल लिया, वो पूरे साल का आ गया 2,000। अब आपके पास जो डिस्पोज ऑफ आपने किया था 5,000 का फर्नीचर, वो 6 महीने चलाने के बाद डिस्पोज ऑफ किया, वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपने निकाला, 6 महीने चलाया था उसका डेप्रिसिएशन नहीं निकाला, 6 डिवाइडेड बाय 12 किया। हाँ, थैंक यू। आप बोले तो एक और समझा दो, नहीं समझ आ गया। आप स्टेटमेंट ऑफ बस सही, अब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो आपका डेप्रिसिएशन पहले से 5,000 सवाल में लिखा हुआ है, इस दफा 2,250 आपका और हो गया, तो ये हो गया 7,250। इनमें से ये माइनस कर देंगे जो वैल्यू आ जाएगी वो नेट बुक वैल्यू लिख दीजिएगा, आपकी बैलेंस शीट पूरी बराबर आएगी, इसमें कोई मसला नहीं। 20,000 में से 7,250 माइनस कर उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अभी आप क्या कह रही थी लाइबा, ये पेज दिखा दूं आपको, ये पेज देखना है, ये 15.11 है आई थिंक, ये लो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसको लेने वैसे मैं पिक्चर भी भेज सकता हूं लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले। इनकम स्टेटमेंट भी दिखा दें, ये इनकम स्टेटमेंट था लड़की, वो सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हां स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थैंक यू सर।
सर आमिर आप इसकी पिक्चर खींच के भेज सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले तो लिया, अभी भेज देगी ना लाइबा? दोनों का ले लिया एसएफपी का भी? हाँ ले लिया, ले लिया बहन, भेज देना जरा। चलो भाई बहन, अल्लाह हाफिज़।